नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, जैसा कि एक्सपेक्टेशन की गई थी उसी तरीके से मार्केट का बिहेवियर देखने को मिला और आज बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे बिगिनर्स ने सीखी भी हैं और स्टिल देखिएगा ये कॉन्टिन्यू रहेगा कि आपको पहले कॉन्सेप्ट लाना है लर्निंग का। आपको कई सारी देखिएगा ऐप्स आ गई हैं, मैं आपको अगर आपको सच में सीखना है, ऑप्शन सीखना है तो एक छोटे छोटे स्टेप्स बहुत ही मायने रखते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही मायने रखते हैं, छोटी छोटी बातें। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जिसमें आप देखिएगा क्या कर सकते हैं, आप रियल ट्रेड कर सकते हैं वर्चुअली, जिसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग के थ्रू ये चीज़ें कर सकते हैं। जितना नोटिस करेंगे मार्केट को, जितना मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतनी ही नॉलेज के साथ आपकी अर्निंग भी जनरेट होगी। इसीलिए कहते हैं पहला कॉन्सेप्ट आपका लर्निंग रहना चाहिए। मार्केट ने आज बहुत अच्छा बिहेव किया और मैंने आपसे क्या कहा था, निफ्टी इनऑर्गेनिक वे में बिहेव कर रही है बट ऑर्गेनिक वे में बिहेव कर रही है निफ्टी बैंक। तो आपको निफ्टी पे फोकस नहीं करना है, निफ्टी की चाल को फोकस करना है बस, और ट्रेड करना है आपको निफ्टी बैंक में। जिन लोगों ने आज क्लासिफाइड मतलब एकदम क्लासिकल तरीके से निफ्टी बैंक में ट्रेड करा है, काफ़ी अच्छे ट्रेंड मिले हैं, इवन बिगिनर्स ने भी पैसा कमाया आज, ये बड़ी चीज़ है। तो ऐसा ये नहीं है कि रोज ही होगा, बट आपको जब लगेगी हाँ अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड्स, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग है, तभी आपको ट्रेड करना है। अब देखिएगा सबसे पहले कुछ भी चेंजेस आते हैं तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम में सुबह का सिनेरियो जो चेंज होता है वहाँ पे एग्जैक्टली लेवल बताए जाते हैं। एग्जैक्टली आप देखिए जाके आज जो लेवल बताए गए हैं वहीं से रिएक्शन देखने को मिला है निफ्टी बैंक का, जाके चेकआउट करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, प्राइस एक्शन स्टॉक भी देखने को मिलते हैं और बहुत सारे हिंट भी सेक्टर के स्पेसिफिक आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करिए। हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। तो देखिएगा निफ्टी बैंक ने आज, निफ्टी 50 ने बढ़िया हाई बनाया, हाई बना रहा है, हाई पे हाई बना रहा है, वेरी गुड, बट स्टिल स्टॉक्स आर नॉट मूविंग। और आपको कुछ चीज़ें देखिएगा समझ में आनी चाहिए कि जो सडन वे में मार्केट कभी ऐसे नहीं चलता, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई आपको कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहा है, डजंट मैटर, स्टडी वही चीज़ होती है जो 10 में 9 बार होती है। बात उसी की मानिए जो 10 में 9 बार 90% लाया है, बात उसकी कभी मत मानिएगा जो 10 में 1 बार 90% लाया है, ठीक है। इस तरीके समझिएगा, मार्केट ऐसे नहीं चलती, मार्केट ऐसे चलती है, इस चीज़ को समझना है। जितनी जल्दी समझेंगे, मार्केट में ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, समझिएगा, मार्केट को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मार्केट को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, मार्केट को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, इस तरीके से समझिए, तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, इस चीज़ को समझना है। तो मार्केट देखिएगा हाई बना रहा है, बहुत बढ़िया है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे जरा सा भी लो बनता है तो निफ्टी 50 में भले आपको अच्छा ट्रेड ना मिले, लेकिन इसका रिएक्शन 1 और 150 पॉइंट का, 100 से 150 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिलता है। इसीलिए कह रहे हैं कि निफ्टी को फोकस करिए चाल के लिए और निफ्टी बैंक में आप ट्रेड करिए। पहली चीज़ देखिएगा समझाने की कोशिश करूंगा, निफ्टी विक्स मैंने बताया था कि बहुत हाई चला गया है, कल 2% की आसपास आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, उस पर रिएक्शन भी देखने को मिला, गिरावट भी हुई। आपको देखिएगा कोई अच्छी रेंज तो नहीं टूटी बट स्टिल ट्रेड अच्छा मिल गया, अगर चेकआउट करेंगे ट्रेड अच्छा मिल गया आपको। तो निफ्टी विक्स पे कंटिन्यू फोकस रखिए, कल अगर 3 से 4% का मूव आता है तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वोलेटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब कई सारे अपडेट हैं, 2-3 अपडेट अभी देखने को मिल रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं 1-2 अपडेट। तो पहला अपडेट आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे 4.5% US 10-year बॉन्ड यील्ड अप हो चुका है, यानी कि क्या हो चुका है, US 10-year बॉन्ड यील्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम 1.4 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, हो सकता है ये 2% पे क्लोज हो, सकता है 1% पे क्लोज हो सकता है 4% पे क्लोज हो, इट डजंट मैटर, हाउ इट इज रिएक्टिंग ये चीज़ समझनी है। कल मॉर्निंग में भी इसको चेकआउट करना है, हम आपको पोस्ट भी कर देते हैं, बताते भी हैं मार्केट कैसा बिहेव करेगा। तो पहला देखिएगा अलर्ट है US 10-year बॉन्ड यील्ड, अगर ये अप होता है तो ऊपर के लेवल पे अलर्ट रही, ऊपर के लेवल पे अलर्ट रही, बस अलर्ट रहना है। जहाँ पे एक इंडिकेशन मिल जाए, जहाँ पे एक इंडिकेशन मिल जाए बस वहीं ट्रेड बनाना है, बस वहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी है। कैश मार्केट में डील कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना है,
इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो स्टॉक को सेलेक्ट कर लीजिए, अपने स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए कौन से स्टॉक मुझे खरीदने हैं। जब भी मार्केट डिप दे तभी आपको SIP करनी है, क्योंकि मार्केट डिप देगी तो वो अच्छे लेवल पे अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएंगे आपको। सेकंड चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो US मार्केट है वो रिकवरी के फियर को देखकर, यानी कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है थोड़ी सी स्लो मोमेंटम में जाएगी, अगर जाती है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा तो एक तरीके से पॉजिटिविटी है कि जो स्टिमुलस पैकेज है, जो टैपरिंग की बात हो रही है वो नहीं होगी, बट स्टिल कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को काफ़ी सारे फेड के स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो अभी डाउ जोन्स में भी ठीक ठाक एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है 285 पॉइंट्स की, जैसे इंडियन मार्केट में आपको देखने को मिली। लेकिन इंडियन मार्केट पूरी तरीके से रिकवर हुई थी, फिर देखिएगा जब रिकवर हुई थी तो जो लोग हमसे लगातार कनेक्टिविटी में रहते थे तो उनको मैंने बता दिया था फिर से निफ्टी बैंक जाएगा नीचे, फिर से यहाँ पे रिकवरी हो गई है बट फिर से जाएगा। लेकिन आपको एक ट्रेड करना है और उसके बाद लॉस हो प्रॉफिट हो एग्जिट कर लीजिए, ऐप को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी तब तक देखिए जब तक आपने सही से स्टडी करी है। आप एक ट्रेड को साथ में लेकर अगर ट्रेड करेंगे तो नेक्स्ट ट्रेड आपको लॉस दे देगा और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को भी खा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स में भी देखिएगा ग्लोबल सेंटीमेंट भी अभी डाउन ही है, तो अभी न्यूट्रल टू निगेटिव सेंटीमेंट है। मार्केट देखिएगा कोई अच्छी जगह पे क्लोजिंग भी नहीं दे रहा है तो इतना ज़्यादा आप मूवमेंट नहीं बनाएंगे, केवल न्यूट्रल टू निगेटिव ट्रेंड के साथ चलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी बैंक बिल्कुल अच्छी तरीके से सिनेरियो में, RSI आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे सिनेरियो में आपको देखने को मिल रहा है, 61 का RSI देखने को मिल रहा है वो ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है बिहेवियर सही है, निफ्टी बैंक का बिहेवियर सही है, यू कैन प्रिडिक्ट द बिहेवियर, यानी कि चाल को पकड़ सकते हो, जिस चीज़ को आप पकड़ सकते हो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है, जो चीज़ समझ में आ रही है तो वो चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो निफ्टी बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं, बट निफ्टी 50 में स्टिल 81 के आसपास है, अगर आप देखेंगे RSI 80 के आसपास है, तो यहाँ पर तो अगर 50 पॉइंट भी गिरता है तो निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट मिलेंगे आपको। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 में 50 पॉइंट्स देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सीधा सीधा आपको वहाँ पे 200 पॉइंट मिलेंगे निफ्टी बैंक में। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, और अभी डेटा तो यहाँ पे बताना ही कुछ खास नहीं है क्योंकि बहुत नॉमिनल सेलिंग है, तो इसको वहीं मानते हैं जब तक ये 2,500 करोड़ के आसपास नहीं आएगी तब तक आपको इसको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं लेवल्स की, तो कल कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बात करेंगे निफ्टी 50 में, जिस तरीके के पहले देखिएगा तरीके से कल की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, कल के हाई के आसपास के ही हाई आज देखने को मिले, तो आज की जो रेंज होगी यानी कि कल की जो रेंज होगी वो पहले तो रहेगी यही रेजिस्टेंस रहेगा आपका 17,433, एक ही रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आज का लो है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको फोकस करना है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो इस पे अलर्ट रहना है, यानी कि इस रेंज में मार्केट कल आपको देखने को मिलेगा, आपको अच्छे से स्टडी करनी है इस पर्टिकुलर रेंज पे। और तभी आपको देखिएगा, एक चीज़ भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग देखिएगा, आपको या तो ट्रेड यहाँ पे लेना है आपको ट्रेड यहाँ पर नहीं लेना है, समझिएगा बात को, कि या तो आपने रेजिस्टेंस को फोकस कर रहे थे तो आपने सोचा रेजिस्टेंस जैसे ब्रेकआउट होगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, या फिर आप वेट करो कि मार्केट एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे आए, और जब तक सपोर्ट पे ना आए तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा भले वहीं से मार्केट पलट जाए, लेकिन आपको कभी बीच में ट्रेड नहीं लेना। अगर आप बीच में ट्रेड ले रहे हो तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि आपको लॉस होगा। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे निफ्टी बैंक की, तो बहुत बढ़िया देखिए सिनेरियो बना हुआ है, आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अब 50-50 चांसेस हो गए हैं निफ्टी के, क्या हो चुके हैं निफ्टी बैंक के 50-50 चांसेस हो गए हैं। तो अब आपको सपोर्ट फोकस करना 36,100 का, पहले तो 36,100 का, अगर ये टूटता है 36,000 का 36,100 का आपको लेवल लेके चलना है, और ऊपर की तरफ देखिएगा एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेके चलेंगे, पहले तो 36,700 का, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये इस पर्टिकुलर रेंज में लेके चलेंगे, लेकिन नीचे के सपोर्ट पे बहुत फोकस करना है कि आपको 36,000 का लेवल ना टूटे। अगर 36,000 का लेवल टूटेगा तो सेंटीमेंट निगेटिव हो जाएंगे, समझिएगा बात को, सेंटीमेंट निगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए इन पर्टिकुलर रेंज पे कल आपको फोकस करना है, कोई भी चेंजेस होंगे हम आपको बताएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा, थैंक यू सो मच।